हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कुटीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जयपुर से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी में पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट फ्रूट जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी में, वो है पपाया। क्या पपाया खा सकते हैं, उससे क्या नुकसान तो नहीं होता है, क्या अबॉर्शन तो नहीं होते हैं? तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा मतलब हर कोई पूछता है, हर कोई ओपीडी में जो भी आता है वो हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि केवल जो रॉ पपाया होता है, कच्चा पपाया या फिर आधा पका हुआ पपाया जो होता है, वही थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है प्रेगनेंसी में, और जो पका हुआ पपाया है वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता, वो आप कंज्यूम कर सकते हो। पपाया में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यू उसकी अच्छी होती है, उसमें फाइबर क्वांटिटी अच्छी होती है। आपको जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कब्ज़ होते हैं उससे आप बच सकते हैं अगर आप पपाया कंज्यूम करते हैं तो। लेकिन जो कच्चा पपाया है या फिर जो पपाया के जो बीज होते हैं उनमें कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल्स देखे गए हैं, लेकिन वो भी तब है जब आप उसको बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लेते हो। मेरे पास बहुत फोन्स भी आते हैं, पेशेंट्स खुद इन्फॉर्म करते हैं कि जिनको अबॉर्शंस करवाने होते हैं वो खुद बोलते हैं कि हमने पपाया खाया लेकिन अबॉर्शन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इससे आप खुद भी समझ सकते हो कि पपाया केवल हल्का फुल्का छोटी सी क्वांटिटी में अगर आपने खा लिया तो अबॉर्शंस नहीं करवाएगा, और उसमें भी केवल जो रॉ पपाया होता है वही हम मना करते हैं। जो राइप पपाया होता है, पका हुआ पपाया होता है, उसके लिए हम कभी भी मना नहीं करते, क्योंकि हर फ्रूट जैसा कि मैंने कहा उसमें अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है और वो आपको किसी न किसी तरह से फ़ायदा ही करेगा अगर उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए तो। अननेसेसरी ओवर ईटिंग से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है।